मैं हूं शुमायरा नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अहम खबर से आपको अपडेट कर दें। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। अदालत का यह कहना था कि वारंट गिरफ्तारी मुकम्मल मुअत्तल उस वक्त होंगे जब मुलजिम पेश होगा, इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाए, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर बनी, हमारे साथ मौजूद है। उमर बनी, बताएगा एहतसाब अदालत ने किस केस में इसहाक डार के दायमी वारंट मुअत्तल किए हैं। बिल्कुल, साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। इसहाक डार के वकील काजी मिफ्ताह अदालत के रूबरू पेश हुए और दलायल दिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि इसहाक डार अब बीमार थे या कोई और मसला था। मुजरिम के वकील की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी होने की वजूहत बताते हुए इस्तदा की गई कि इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाए। इसहाक डार एयरपोर्ट पर उतरते ही सीधा अदालत में पेश हो जाएंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि अफजल कुरैशी प्रोसिक्यूटर कहाँ है, जिस पर ड्यूटी प्रोसिक्यूटर ने बताया कि वो उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए हैं। वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने का हुक्म सुनाते हुए कहा कि वारंट गिरफ्तारी मुकम्मल तौर पर कैंसिल उस वक्त होंगे जब मुलजिम अदालत के सामने पेश होगा। अदालत ने समाअत 7 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया उमर बनी, तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए।